हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द इंडियन तवे पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बालू चाय, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिए जिसे हम छानेंगे। ये हमें मैदा छाननी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपकी मैदा ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से बेकिंग पाउडर डालें, ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा डालें, अगर कम है तो थोड़ा कम ही डालें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप घी डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे मिक्स करना है बिल्कुल अपने ढीले हाथ से, हमें इसको आटे की तरह नहीं गूंथना है। अगर हम इसे आटे की तरह गूंथेंगे तो इसकी परतें नहीं आएंगी, जैसे हमको जब बालू चाय में जो हमें क्रैक्स दिखते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी से मिक्स करेंगे इसे, जिससे कि इसमें ग्लूटन नहीं आना चाहिए। जैसे आटे में ग्लूटन आ जाता है, इसे हमें ढीले हाथों से ही हमें इसको गूंथना है। और हमें इस तरीके से इसकी मोन हो जाएगा एक तरीके से आटे में, इसमें समझ लो आप मोन आ गया इसमें। अब इसे हम अच्छे से एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, ऐसे कि तोड़ते ही तोड़ना है, जैसे मालूम पड़े कि इसमें परतें बनेंगी। अब हम इस तरीके से इसको पूरा इकट्ठा करेंगे और थोड़ा से पानी के छींटे और ला लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से गूंथेंगे। थोड़ा सा हमें पानी की और ज़रूरत लग रही है तो हमने और थोड़ा पानी डाला है। हमें इसे आटे की तरह इकट्ठा नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसको फैला के ही रखना है। अब हम इसके बॉल लेकर के हाथ में स्लो मोशन में घुमाना है, इसे हमें टाइट हाथ से नहीं करना है। और अब इसमें हम एक होल करेंगे। होल आप चाहें तो उंगली से कर लें या किसी स्टिक से कर लें, इसलिए होल किया जाता है जिससे कि जब हम इसको सेकें तो अच्छी चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए और इसकी एक एक परत है वो खुल जाए। इसमें क्रैक आना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही इसे बाइंड कर देना है। ऐसी तरह से हम दूसरी बनाएंगे। इसी तरीके से हम सारे अपने बॉल्स बना के तैयार रख लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा टाइट ना करें और इसके अगर जो क्रैक्स आ रहे हैं चारों तरफ तो इसे आने दें। अब हम बनाएंगे चाशनी, जिसके लिए मैंने 2 कप मैंने ये चीनी ली है और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। 1 से 1.5 कप भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे चाशनी को ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, बिल्कुल पतली चाशनी रखनी है। इसे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब इसे हम डिजोल्व होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी केसर की पत्ती, केसर डाली है हमने, और इसमें हमने डाला है 1/2 नींबू। अगर आप चाहें तो नींबू के ड्रॉप्स डाल सकते हैं, क्योंकि इससे ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और हमने केसर इसलिए डाली है कि कलर आ जाए। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला हुआ है। तो ये हमारी हल्की सी चिपचिप हो चुकी है चाशनी, ये हमारी चाशनी तैयार है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे। हमने इस कढ़ाई में हमने घी डाला है, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। इसमें हमने एक थोड़ी डाल के देखी है, जो नीचे से झाग बन रहे हैं इसके और ये फ्लूट हो रही है, इसका मतलब हमारा घी तैयार है। अब हम एक एक करके अपनी ये बालू चाय इसमें डालेंगे। ये हमने एक एक करके बालू चाय इसमें डालनी है। बस ये है कि इसमें क्रैक्स रहने चाहिए हमारे बालू चाय में चारों तरफ। अब इसे हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसे बिल्कुल डले रहने देना है। इसमें ये अपने यहाँ भी ये फ्लूट होकर के ऊपर आएंगी, जैसे जिस तरीके से ये आ रही है। और हमें पहले तो हमें सिम गैस रखनी है, उसके बाद जब ये फ्लूट होकर ऊपर आ जाए हमें थोड़ी सी मीडियम कर देनी है गैस, क्योंकि हमें ब्राउन हमें जो बालू चाहिए वो थोड़ी ब्राउनिश देखनी है। और हमें थोड़े इससे अब ये हमें इसको हिलानी है, तो इसको हम चम्मच या कोई डंडी ले लें आप, उससे आप इसे साइड से करते जाएँ, जिससे कि ये अपने आप नीचे से सिकती जाएंगी। ये देखिए हमारी ये गोल्डन शान शुरू हो गई हैं और ये ऊपर भी आ गई हैं, फूल गई हैं। अब इन्हें हम एक एक बार पलट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी है हमारी बालू चाय सिक चुकी है। इसे हमें थोड़ा अच्छे से सेकना होता है, इसे ये कच्ची नहीं रह जाए अंदर से। ये देखिए कितनी अच्छी है हमारी बालू चाय सिक के तैयार है, क्योंकि बालू चाय थोड़ी ब्राउन ही अच्छी लगती है खाने में। ये तैयार है। अब हमने जो चाशनी बनाई थी, ये हमारी चाशनी में अब इसमें हम एक एक करके डिप करते जाएंगे, इसमें डालते जाना है।
आप चाहे तो इसे थोड़ी देर बाद भी डाल सकते हैं, और अगर आपको है तो हम उस तुरंत भी डाल सकते हैं इसे। और चाशनी अगर आपकी ठंडी हो गई है तो इसे आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। ये हमारी बालूशाही तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम चाशनी को ऊपर नीचे कर देंगे और इसमें हम चाशनी डालेंगे, जिससे ये अच्छे से चाशनी को पी लें और ये जूसी हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। ये बालूशाही हमारी तैयार है। अब इसे हम पिस्ते के संग अच्छे से गार्निशिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।